नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुच्छ माधुरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय वोट पर प्रचार अभियान शेष होइछि। आसंता काली तथा गुरुवार 10 फेब्रुआरी रे वोट ग्रहण हेब। पश्चिम यूपी और ब्रज अंचल 11टी जिलार 58टी आसन में मतदान अनुष्ठित हेब। प्रथम पर्याय सामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आग्रा ठाणे वोट ग्रहण कराजिबो। प्रथम पर्यायर 2.27 कोटी भोटर से मतदान सब्यस्त करेंगे। प्रथम पर्याय निर्वाचन पर प्रचार बंद होगापर एवं भोट देवाई राजनैतिक अंककस आरंभ हो। यूपीर भोटर जो क्षमतार बसाई से राज्यवासी को धोखा देते। दुर्नीति माफिया राज्य चलाई लोकों को स्वप्न को धूलिसात करपरी विरोधी को टार्गेट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम यूपी पर आयोजित भर्चुआल जोनो चौपाल रे जोगो देइथिले मोदी। तांको सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य उपस्थित थिले। यूपी पर बीजेपी इस्ताहार बा संकल्प पत्र जारी होगा पर प्रचार एवं आहरी जोर धरी। आसंता 10 रे अनुष्ठित होगा प्रथम पर्याय निर्वाचन। देखा है कि जिनको पहले मौका दिया उन्होंने कैसे विश्वासघात किया। किसी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार को फैलाया तो किसी ने परिवारवाद, माफियावाद, गुंडाराज और दंगा राज यूपी को दिया। यूपी का नौजवान प्रगति के लिए आकांक्षी है। यूपी की माताएं बहनें शांति के साथ विकास चाहती हैं। वो पिछली सरकारों की हर करतूत को याद रखे हुए हैं। इसलिए पश्चिमी यूपी फिर एक बार एकजुट होकर भाजपा को जिताने जा रहा है। उत्तराखंड वीर संतान को स्मरण कले प्रधानमंत्री। कहले चलित निर्वाचन राज्यर बुनियाद को आगामी 25 वर्ष पर्यंत मजबूत करिबो। भर्चुआल रैली रे राज्यर वीर संतान माननको स्मरण करी दल पाई प्रचार करिसंते। एही रैली रे मुख्यमंत्री धामी मध्ये उपस्थित थिले। मोदी निज भाषण में विरोधी को टार्गेट करने सहित 2 दिन पर निजे उत्तराखंड जाई लोकों सह व्यक्तिगत भाव में भेटिबे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ते। उनके गांव-गांव में हमारी वीर माताओं ने अपनी संतानों को राष्ट्र को सौंपा। हमारी वीर बहनों ने अपनों को राष्ट्र रक्षा के लिए तिलक किया। उन सभी बलिदानों को भी देश आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहा है। भाइयों और बहनों, इस अमृत काल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिला। इसलिए इस बार का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को और मजबूत करेगा। यूपीर युवपीढ़ी, महिला, कृषक, समाजर सबु वर्गर विकास प्रक्रिया को आहरी आगक बढ़ाइब बीजेपी। पुणी एथर क्षमता को आसिले होली आउ दिवाली रे महिला को मिलिबो मागणा गैस सिलेंडर। 60 वर्ष पार होइथिबा वरिष्ठ महिला को मिलिबो बस रे मागणा यातायातर सुविधा। विद्यार्थी को मिलिबो स्मार्टफोन। प्रत्येक घर युवक युवती को मिलिबो सरकारी चाकरी किंबा आत्मनिर्भर हेबार सुजोग। कलेज पढ़ुवा छात्री को मिल मगणा स्कूटी गरीब घर झील बाहर दिजाऊ सरकारी सहायतार से 15 बढ़ाई 25,000 कर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सामाजिक सुरक्षा इत्यादि अनेक जुगानकारी पदक्षेप तथा योजना करने को निजर इस्ताहार माध्यम प्रतिश्रुति दी यूपी। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार 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 भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी, और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास। पंजाब भोटर को मोती मंत्र, पंजाब में विकास गति को बेग देव बीजेपी हेबो। राज्यर प्रकृत विकास चलित निर्वाचन में बीजेपी क्षमता को आसिले कौन करिबो से विषय सूचना देवा सहित राज्य क्षमतार कांग्रेस को टार्गेट करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, पंजाब के लिए ये चुनाव क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ नए एमएलए, नए मिनिस्टर चुनने के लिए ही है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। एनडीए आज पंजाब में असली बदलाव के लिए मैदान में है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम इस मकसद के साथ संकल्प लेकर के आपके बीच आई। अब भाजपा अपने साथियों के साथ पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लिए विकास और विश्वास का नया और पुख्ता रोड मैप लेकर आई। राज्यसभा राष्ट्रपति संबोधन में प्रधानमंत्री उत्तर यह समय सबू प्रसंग में मोदी कांग्रेस को घेरी रही भाषण मध्यम गोवार निर्वाचन स्थिति को स्पर्श करते मोदी। गोवार स्वाधीनता संग्राम विषय मोदी देशर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नीति को कड़ा समालोचना कर प्रधानमंत्री कहते जदि सरदार पटेल प्रेरणा ने गोवार स्वाधीनता रणनीति प्रस्तुत होता तेज सेठाकर लोक 15 वर्ष पर्यंत गोलामी रही पड़ ना। प्रधानमंत्री कहते पंडित नेहरू विश्व नेता भावमूर्ति को खराब करने को भय करुले तेणु गोवार उपनिवेश सरकार उपर आक्रमण करते सत्याग्रह उपर गुली विनिमय होता से पंडित नेहरू कहते मु सेना देवी ना से सत्याग्रही को साहाय्य करने को मना करते गोवा को कांग्रेस द्वारा करा अत्याचार वाले मोदी कहते। अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को। दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे। आज हेबो ओडिशा माध्यमिक शिक्षक योग्यता परीक्षा सकाळ 9 टा 11:30 पर्यंत प्रथम एवं दिन 1 टा 3:30 पर्यंत द्वितीय सिटिंग परीक्षा है। पेपर 1 रे 68742 परीक्षार्थी एवं पेपर 2 रे 3538 परीक्षार्थी परीक्षा देबे। पेपर 1 पाई 338 एवं पेपर 2 पाई 33 टी परीक्षा केन्द्र करा जायछि। एथिपाई 40 टी नोडाल सेंटर मध्ये रहिबो। समस्त नोडाल और परीक्षा केन्द्र रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। कोविड गाइडलाइन अनुसार समस्त परीक्षा हेबो। हेड ऑफिस कटक रे कंट्रोल रूम करा जायछि। तबे कॉपी करी धरा पड़िले सबुदिन पाई अजोग्य हेबे बोली बोर्ड कार्यालय रे आयोजित सामाजिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति बोर्ड सभापति रामाशेष हाजरा। प्रत्येक सेंटर रे आमे सिक्युरिटी अरेंजमेंट करिछु। दिन सकाळ 5 रु संध्या 5 पर्यंत आमर सिक्यूरीटी आरेंजमेंट रहिबो, कारण कन्फिडेंशियल पैकेज से समय रोचे। आ जोटी सेकेंड सीटिंग नहीं सेठी 2 टा पर्यंत रहिबो। एवं नोडाल सेंटर रे पूरा 24/7 सिक्यूरीटी आरेंजमेंट रहिबो। आमर एतिपई कोऑर्डिनेट करबा को आमर कंट्रोल रूम खोला होईची। तार नंबर होची 24120592 24120600। मोबाइल बैन फॉर ऑल, इवेन फॉर सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, स्क्वाड मेंबर्स, जी भी भीतर को जीवे मोबाइल कौन सी प्रकार से लेकिन जीवे ना, से सेंटर सुपरिटेडेंट को हस्तांतर करेंगे। टीचर्स मानक आम फ्रिस्किंग करार व्यवस्था रखीचु। कैंडिडेट मैंने नहीं पारे ना, जो मैंने पुलिस पर्सनल थे से सिक्यूरीटी आरेंजमेंट से निज पाखे मोबाइल रखिपारे ना, एवं कौन सी मत मोबाइल जीव ना। समय हो एक छोट ब्रेक, खूब शीघ्र फेरी। ब्रेक पर स्वागत। आज राज्यर किसी स्थान में हालुका वर्षा। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज जिले में मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। 3 ରୁ 4 डिग्री कमिब सर्वनिम्न तापमात्रा। आभ्यंतरण ओडिशा सामान्य कुहुड़ी परिलक्षित होइछि। सेपरि आसंता काली अपराह्न में पश्चिम ओडिशार किसी स्थान में वर्षा हेब। उपकूल ओडिशा 11 तारिख में वर्षा संभावना नहीं आकलन करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी साहाय्य टंका बांटुछे शासक दल। एभली अभियोग नहीं राज्य निर्वाचन आयोग निकट में फेराद है बीजेपी प्रतिनिधि दल। काकटपुर जोन नंबर 7 में महिला स्वयं सहायक गोष्ठी टंका बांटुछंती एवं जोर जबरदस्त भोट पाई लोकों को बाध्य कराउतबा अभियोग होइछे। एहा सह मालकानगिरी जोन नंबर 3 में शासक दलर कर्मी माने मध्य टंका बांटुथिबार प्रमाण मिलिबा सह निर्वाचन आयोग निकट में अभियोग करिछि बीजेपी प्रतिनिधि दल। निर्वाचन सबु जगार निरपेक्ष एवं अबाध हवा उचित एवं बलपूर्वक हवा उचित नुहे बा पैसार प्रलोभन निर्वाचन हवा उचित नुहे। जड़े नागरिकर अधिकार अच्छी भोट देवार अधिकार अच्छी एवं ता निजस्व मत भी से सब्यस्त कर कहार प्ररचन नुहे बा बलपूर्वक भी नुहे। तेणु आम से कथा को बारंबार सूचई देवाई निर्वाचन कमिशन पाक आसुचु। अर्बान इलेक्शन उपर जो नोटिफिकेशन होता से समय देना जोटा कि इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन 2003 को भायोलेट करुच्ची। कहले जे आमे किछि अमेंडमेंट करिचु, किंतु अमेंडमेंट केतबेले हला एवं आमे केही जानी परले नाही से कथा को तार सठिक उत्तर आम पाइलु ना तेणु काली भारतीय जनता पार्टी तरफ यही जगार आम प्रतिवाद जनइबू एवं आज आपण मीडिया माध्यम जन। राज्य निर्वाचन कमिशन द्वारस्थ हेले प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ मुख्य दाबी पुलिंग पार्टी ड्यूटी रिपोर्ट तारीख को बढ़ा जाओ। चलित निर्वाचन में पुलिंग पार्टी हाथ में आदौ समय दि जाए कारण निर्वाचन पूर्वदिन योगदान और राति बुथ्रे पहुंची सका 7 घटिकार भोट ग्रहण करने निहाती कष्टकर तेणु पुलिंग पार्टी ड्यूटी रिपोर्ट तारीख को आउ गोटे दिन पूर्व धार्य करने को नवेदन कर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ। केवल पुरी गंजाम एवं नवरंगपुर कोरापुट को छाड़ी आउ समस्त 26टा जिले में यही प्रकार आरेंजमेंट कर जन दाबी जनइलु अनुरोध कलु जे 2 दिन आमको निर्वाचन 2 दिन पूर्व रिपोर्टिंग कर तारीख निर्धारण करने प्रतिश्रुति जे सब जिला को आम इंस्ट्रक्शन करके पुणी कर 2 दिन पूर्व समस्त जोगदेव। कोविड स्थिति को दृष्टि रखी बीएमसी पदक्षेप ह्रास पाइब कोविड हस्पिटाल रे शज्या संख्या मार्च पहलू बंद हेबो हाईटेक कोविड हस्पिटाल। विभिन्न कोविड हस्पिटाल रे वर्तमान केवल चिकित्सित होउछंती 230 जन संक्रमित। मार्च पहलू बंद हेबो हाईटेक कोविड हस्पिटाल नुआ रोगी को भर्ती न करबा को निर्देश दिया जायछि। फेब्रुआरी शेष पर्यंत आदित्य अश्विनी हस्पिटाल 65 किम्स हस्पिटाल 150 सम हस्पिटाल 250 शज्या रहिबो। तबे पटिया और डुमडुमारे उभय कोविड केयर सेंटर पूर्व भली चालू रहिबो। आगो को संक्रमण स्थिति को दृष्टि रखी नियाजिबो परवर्ती निष्पत्ति एने सूचना देले बीएमसी डेप्यूटी कमिश्नर तथा कोविड नोडाल अधिकारी शुभेन्दु कुमार साहू। 4टा हॉस्पिटल थिला बेड कमिया पे हमें ऑलरेडी से हॉस्पिटल मान को चिट्ठी कर सलुनु 10 तारिख ठू से 3टा हॉस्पिटल तार बेड स्ट्रेंथ कमिबो सम आदित्य अश्विनी आउ किम्स आउ हाईटेक हॉस्पिटल टोटल बंद हे। एवं जी पेसेंट अच्छा से डिस्चार्ज हो गला हॉस्पिटल बंद रखा बोली हमें ऑलरेडी चिट्ठी कर सारू। अनुगुल छेंडीपदा थाना माछकोट पंचायत सरपंच प्रार्थी मनोज कुमार सेठी निखोज। छेंडीपदा थाना अभियोग आने परिवार लोक ग्रामवासी मनोज चलित वर्ष माछकोटा पंचायत सरपंच प्रार्थी भाव प्रतिनिधित्व करुवा बेले घर को घर बुली प्रचार करुले। मंगलवार घर बाहरी प्रचार जाता बेले आ घर को फेरी नथिले। बहु चेष्टा पर मध्य जोगाजोग होई पारि नथिला फलरे थाना रे लिखित अभियोग करा जायछि। कंधमाल बालीगुड़ा सहर मध्य माओ पोस्टर प्रथम थर पाई सहर मध्य पोस्टर मारी निजर स्थिति जाहिर करिसेंती माओवादी। बालीगुड़ा आदिवासी महाविद्यालय पणसपड़ी नुआसाही रास्ता कड़े एही माओ पोस्टर लगा जायछि। आगको निर्वाचन थिबारो सहर मध्यरे बे माओ पोस्टर लोकंक मनरे कोकुआ भय सृष्टि करिछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची माओ पोस्टर जब्त करिछि। आसंता 14 तारिखरु घरोई प्ले एवं केजी स्कूल खोलिबा पई सरकार निष्पत्ति नेछंती। स्कूल रे उपयुक्त कोविड कटकणा पालन करिबाको स्कूल कर्तृपक्षों को निर्देश देते। पिलांको मधरे शारीरिक दूरता मास्क व हाथ को शिशु माने जो भली परिष्कार रखिबे सेथिपाई स्कूल कर्तृपक्ष जत्नवान हेबे। शिक्षक शिक्षयित्री अणशिक्षक और स्कूल समस्त कर्मचारी उभय डोज टीका लेथिबा बाध्यतामूलक हेबो। शिशु माने स्कूल रे थिबा समय कोविड कटकणा को जेभली 100% पालन करिबे सेथिपाई स्कूल कर्तृपक्ष उत्तरदायी रहिबे बोली सरकार को पक्षरु सूचना दिया जायछि। पंचायत निर्वाचन बंद करने को नहीं राज्य निर्वाचन आयोग फेरात हेले कंधमाल जिला नुआगां जिरीडिकिया ग्रामवासी। दीर्घ वर्ष धरी यह पंचायतर लोक माने विभिन्न समस्या दे गति करुवा बेले स्थानीय अंचलवासी विभिन्न मौलिक सुविधार वंचित होती। एने स्थानीय विडीओ कंधमाल जिलापाल और मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में अभियोग होते कौन सुफल मिलुना एने ग्रामवासी माने निर्वाचन आयोग पाखरे फेरात होता बेले से सबू समस्या समाधान हेबो बोली प्रतिश्रुति दैछथि। 2 थर इलेक्शन कमिशन जिलापाल को निर्देश दे कहिथिले जे जेहेतु लोक माने दाबी करूछंती एवं हाईकोर्ट स्टे दैछंती एई भली मामला जोठी अछि आपण रिपोर्ट दियंतु सेठी निर्वाचन बंद करिया पई निष्पत्ति निया जिवो। किंतु दुर्भाग्यर विषय जिला तरफरु से रिपोर्ट दिया गला नै। काली जेतो लोक धारणा रे बसिले 10000 लोक काली संध्या 6:30 बेले जिलापाल गोटे रिपोर्ट दैछंती इलेक्शन कमिशन को से हूँ रिपोर्ट ए रिपोर्ट काली हस्तगत होला परे आज धारणा देथिबा कोनवा गाँ ब्लॉक रो यो जिरिडिकिया अंचल लोके आज एठी आसी इलेक्शन कमिशन को पाखरे पहुँची एवं एमानंकर दाबी होउची जे जदि निर्वाचन कमिशन आम कथा भी न सुनती ताहले आमे बाध्य हबु एठी मध्य धारणा देबू एवं निर्वाचन वर्जन करूँ एवं ये जो अप्रीतिकर परिस्थिति आम अंचल सृष्टि होपाई जिला प्रशासन संपूर्ण भाव दायी रही निर्वाचन प्रति जे आमे या तर्जमा करी कहूँ। पंचायत निर्वाचन पर आरंभ हो पौर निर्वाचन एपाई प्रक्रिया आरंभ हो सारी समस्त विज्ञापित अंचल परिषद और पौरांचल समेत महानगर निगम गुड़िकरे वार्ड सीमा निर्धारण और संरक्षण कार्य शेष हो सारी एवं चूड़ांत भोटर तालिका प्रस्तुत पर विभिन्न स्तर में चली कसरत। इतिमध्य राज्य निर्वाचन अधिकारी पक्षर प्रार्थी निर्वाचन खर्च सेवा संपर्कित विज्ञप्ति प्रकाश पाई। भुवनेश्वर महानगर निगम में निर्वाचन परिचालना पाई भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल प्रफुल्ल स्वाई को नियुक्ति दिया जायतबा जणापड़ी। आसंता 20 रे पूरी गस्तर आसुंट महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एने एक संभाव्य गस्त सूची को नहीं आरंभ होती प्रस्तुति। जिला प्रशासन पक्षर एकाधिक बैठक कर संपृक्त अधिकारी प्रस्तुत रहिबाको परामर्श दिया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमंदिर में श्रीजीव को दर्शन करिबार कार्यक्रम रही। कोमल शिशु राजवीर जीवन रक्षा पाई अंटा भिड़ी पुरी जगन्नाथ मंदिर सेवायत। दिनक तले श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें युव सेवायत माने राजवीर को सहायतार हाथ बढ़ाइबाकु अनुरोध करथिले। आज राजवीर पाई पतित पावन सेवा संघ पक्षर पुरी में अर्थ संग्रह करायाउछि। समस्तक आर्थिक सहयोग में राजवीर जीवन रक्षा हो पार बोली संघर सदस्य माने अनुरोध करिसेंति। बांकी सिमलीपुर करपर गाँव में बोमा चोपाई गाई गुरुतर घास चरुता बेले बारहा शिकार पाई खंजा जाइथिबा बोमा खाई गाईटीर मुह नष्ट हो जाइथिबा देखबाक मिलिछि। गाँ निकट चाष जमीन गाई घास खाइवा बेले एभली अघटन घटिछि। स्थानीय पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखिछि। शुभारंभ हो जाइछि मोबाइल स्कूल एवं पंचायत को पंचायत बुली मागणा शिक्षा प्रदान करेंगे शिक्षक। एभली एक नियारा पदक्षेप नहीं टिटलागढ़ दादीजी ट्रस्ट। टिटलागढ़ प्रतिष्ठित शिक्षा अनुष्ठान श्री दादीजी पब्लिक स्कूल किछि नियारा अंदाज में छात्र छात्री को शिक्षादान करेंगे। कोरोना महामारी में समस्त शिक्षानुष्ठान बंद थिबारु पिलांको पाठपढ़ा व्याहत होइछि। एहाको दृष्टि रखी एभली प्रयास करा जाइछि। टिटलागढ़ ब्लॉक रे थिबा प्राय 6टी पंचायत में स्कूल शिक्षक और शिक्षयित्री पिलांक पाखरे पहुँचुछि मागणारे शिक्षा जोगाइबे। नहीं मते खूब भल लागिला एटा गुटे साधु प्रयास स्कूल रो बोली मु कहिबी। एथिपाई जेते भी धन्यवाद देले कम हबो। ई स्कूल रो जो एलएमसी मेंबर्स प्रिंसिपल तांकर स्टाफ मेंबर्स समस्तंकर उद्यम जोग एटा सफल हवा के जाउछि। कोरोना परे साधारणतः गाँ गहली पिला माने बेसी सफरर होती 3 वर्ष पाखापाखि हो स्कूल जापार ना तेणु स्कूल तांका पाखकु एबे जिबार समय आछि। भद्रक ग्रामांचल थाना अधीनस्थ केंदुआपदा अंचल गतकाली राति एक मद दुकान में लुट करिथिबा 2 जण अभियुक्त को धरला ग्रामांचल पुलिस। एही 2 जण अभियुक्त हेले सुंदरी जेना एवं प्रशांत कुमार पाही। निकटर गोटे बाइक 20,000 टंका 4टी मोबाइल फोन और मारणास्त्र जबत करिछि ग्रामांचल पुलिस। 15 वर्षरू तल पिलांकु एणिकी मंदिर और अन्य धर्मानुष्ठान मिलिब प्रवेशर अनुमति। बापा माँ और परिवारों सह एवं मंदिर को जाइपारे पिलाने एने बीएमसी पक्षर निष्पत्ति होइछि। आसंता 12 तारिखर समस्त धर्मानुष्ठान लागू हेब। पिलांकर कोविड नियम पालन करिबार दायित्व अभिभावक बा परिवार लोकंकर। आसंता 12 तारिखर राजधानीर समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबाको बीएमसी दैछि अनुमति। टीका नैथिबा श्रद्धालुंकु मिलिब प्रवेशर अनुमति। एपटे लिंगराज मंदिर में मध्य एककालीन 100 जण श्रद्धालु दर्शन करिबाको जाइपारिबे। पदारे पड़ा बीजेडी गोष्ठी कंदल। गंजाम जिला रामगढ़ पंचायत गोटे गोष्ठीर निर्वाचन प्रचार करने को जाई हटहटा होती कृषि विपणन उपदेष्टा तथा बीजेडी नेता रामचंद्र पंडा। रामगढ़ पंचायत में बीजेडी समर्थित 2टी सरपंच समिति सभ्य प्रार्थी निर्वाचन लड़ुता बेले गोटे गोष्ठी पर प्रचार करने समय अन्य गोष्ठीर लोक रामचंद्र पंडा को घेरिबा सह ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଛି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।